जी यहाँ पर आकर के आरती करेंगे, बाकी सभी भक्तजन नीचे से आरती करेंगे। ओम हरि ओम राम राम सीता राम। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह फिर से हो गई है और ये है शौर्य और आज है ऑरेंज डे। तो आज मिलेंगे आपको सब लोग ऑरेंज, थोड़ा लालू, ये किंजल पूरी ऑरेंज, ये थोड़ा ऑरेंज और ये भी ऑरेंज और पिंक मिक्स। तो आप चलते हैं, आज होगा नरसिंह भगवान का अवतार, वो कैसे प्रकट हुए सब कुछ बताएंगे। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर देखेंगे क्या क्या सुनाते हैं, क्या क्या होता है। बहुत अच्छा लगता है, सारी झांकियाँ बनती हैं, सब कैरेक्टर बन बन के आते हैं, बच्चे बनते हैं, बहुत मज़ा आता है और सुनने में तो अच्छा लगता ही है, भजन भी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं वहाँ पे, पहुँचते हैं, टाइम हो चुका है। बीच में जन्मी एक लली, चार चार लड़कन के बीच में जन्मी एक लली। श्रवण कर रहे देश विदेश में सभी भक्तजन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे व्यास भगवान, आप अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा, आप अपनी अनमोल वाणी के द्वारा प्रभु की इस सुमधुर कथा को श्रवण कराते हुए हम सभी के अमंगलमय जीवन को मंगलमय करते हुए और हम सभी के जीवन को कृत्यार्थ करें, हम सभी के जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए मैं भी पूज्य व्यास भगवान के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, आप अपनी अनमोलमय वाणी के द्वारा हम सभी को इस ब्रह्म सूत्र को थोड़ा थोड़ा सा अभिसिंचित करते हुए, थोड़ा थोड़ा सा हम सबके ऊपर इस ब्रह्म सूत्र को इस रसस्वादन कराते हुए हम सबके अमंगलमय जीवन को मंगलमय करते हुए हम सबका जीवन कल्याणकारी बनाए, धन्य बनाए। तो आइए हम सभी ज्यादा अधिक विलंब ना करते हुए पूज्य महाराज श्री जी से निवेदन करूंगा, आप अपनी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है आज की झांकी की तैयारियाँ। तो आज की झांकी वाले लोग रेडी हो रहे हैं एंड इनको नरसिम्हा बनाया है। हाँ यार अब बनिए, ये है नरसिंह भगवान हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये है हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद, ये देखो ये भैया सिखा रहा है कैसे करना है। डराना है एक दूसरे को, बस इसे रख देना आप। पहला तो चुपचाप एक जगह खड़े होके ओम नमो ऐसे ऐसे करता रहे ना, सूचे पैसे ऐसे होली का ऐसे कर, होली का नहीं होती बेटा। अबे ऐसे नहीं करना, रुको करो। इनसे बोलो भगवान जी को चुप करो, उनको तो चुप करो, उठो खड़े नहीं हो, बैठ जाओ, बार बार बताओ जोर से बोल किशु, किशु और किशु जोर से बोल। अच्छा प्रहलाद जी अरे बोल बोल नारायण कहाँ है नारायण, बुलाओ नारायण को, बुलाओ नारायण को। नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, भगवान को भगवान ने सारे बचनों को याद दिलाया। आज हिरण्यकश्यप और हिरण्य भगवान ने अपनी जंगा पर बैठा लिया। हिरण्यकश्यप को आज जंगा पर बैठा करके सारे वरदान याद दिलाए और भगवान ने सारे वरदानों को पूछ करके अपने नाखूनों को बढ़ाना प्रारंभ किया और उसके पेट को फाड़ करके अंतड़ियों को निकाल करके बोले नरसिंह भगवान की जय। आज भगवान बड़े क्रोधित हो रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, लेकिन भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा है। लेकिन कोई भी देवता आज भगवान को क्रोध शांत नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जो है जो नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी आज गए हैं और आज उनको क्रोध शांत कराया है। आज प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के दांत गिने हैं। नरसिंह भगवान कहे बेटा तू दांतों को क्यों गिनता है, बोले कहा इसलिए गिन रहा हूं आज नरसिंह भगवान जो है ना आज प्रहलाद को अपने मुख से चाट रहे हैं, जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है ना, प्रेम करती है लाड़ करती है, ऐसे ही आज नरसिंह भगवान भी जो है आज लाड़ लड़ा रहे हैं। इसको यहाँ रखो, आज प्रहलाद की भक्ति से आज भगवान नरसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हैं, उनको क्रोध शांत कराया। और महाराज भगवान ने कहा कि अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करिए, बोले प्रभु तुमने तुम्हारे हाथों से जिसका उद्धार हो जाए क्या उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी की जाती है, बोले आप करे बलाए हमारे जिस माया जंजाल से
ओ बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल बलिहारी। यहाँ पर आकर के प्रहलाद जी प्रहलाद बाकी सभी भक्तजन नीचे से आरती करेंगे। ओम हरि ओम राम राम सीता राम हप गोरे श्री भाके बिहारी तेरी आरती का 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 हो आरती गाऊं प्यारे आपको मना आरती गाऊं प्यारे